तो लखनऊ में आज आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम से मिलने के बाद जयंत चौधरी ने बकायदा तस्वीर जारी की और ये लिखा, उत्तर प्रदेश की बात सीएम योगी के साथ। इस कैप्शन के साथ उन्होंने मुलाकात की तस्वीर पेश की है। इस तस्वीर में जयंत चौधरी आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में उन्हें देख रहे हैं। साथ ही जयंत चौधरी के वो तमाम विधायक और नेता भी मौजूद हैं जो पार्टी में अहम पदों पर हैं। तो अपने दल के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ जयंत चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। बढ़िया बात हुई, बहुत विजन है यूपी के लिए, जो उनका विजन है बाबा का, हमने डिस्कस किया, हम लोग साथ काम कर रहे हैं। नहीं, लंबी मुलाकात नहीं, कम समय मिला, एक घंटा भी कम है, इतनी विस्तृत बातें हुई मन तो कर रहा है और बात होती है। अच्छा, चुनाव पे क्या चर्चा हुई, 10 सीटों पर चुनाव होने हैं? हम सिर्फ चुनाव की बात नहीं करते, नीतियों पे बातचीत की, यूपी के लिए जो ब्रॉड विजन है मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमसे साझा किया, सब विधायकों को बताया, हम सब लोग उस के क्रियान्वयन में लगे हैं, जुटे हैं, साथ काम कर रहे हैं। तो आरएलडी यूपी में साथ में अभी इस बार चुनाव लड़ेगी और आगे भी रहेगी, वो तो है ही, उसमें कहाँ सवाल उठ रहा है। तीन सीटें ऐसी हैं जिन पर आपका जनाधार है पार्टी का, तो लग रहा है उपचुनाव नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इस चर्चा में नहीं शामिल हो रहा हूँ, लेकिन उपचुनाव 10 की 10 सीटों पे हमारा ध्यान। और यूपी विधानसभा से पास नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में अटक गया। विधान परिषद में इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई थी, जिसके बाद विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया, ये फैसला लिया गया। अब नजूल विधेयक पर प्रवर समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तब उसके बाद इस पर फैसला होगा। दरअसल विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद पास हो गया था। कई विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अलग से मुलाकात की थी और इस पर कई संशोधन के सुझाव दिए थे। आपको बता दें, नजूल की जमीन का मतलब ऐसे जमीनों से होता है जिसका कई सालों से कोई भी वारिस नहीं है, ऐसे में इन जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाता है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी की किरकिरी बढ़ती ही जा रही है। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोइन खान अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें सपा सांसद नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोइन खान के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और मोइन खान ये वो शख्स है जो कि आरोपी है 12 साल की एक नाबालिग के गैंग रेप और साथ ही उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले का। और इन तस्वीरों को लेकर अब सियासत भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में भी इस संबंध का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए कि पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही।